जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया और विकल्पों का बहता प्रवाह औदयिक भाव है। औदयिक भाव का उदय है और अस्त है, मगर उदय अस्त से न्यारा मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप ध्रुव न्यायक भाव हूँ। मैं ही पारिणामिक भाव हूँ। मैं ही परम पारिणामिक भाव हूँ। इस प्रकार से औदयिक भाव और परम पारिणामिक भाव के बीच भेद विज्ञान से औदयिक भाव के परिणाम को ज्ञानी एक समय के लिए भी अपना नहीं मानता। औदयिक भावों की उत्पत्ति होती है, मगर उस उत्पत्ति में ज्ञान की सत्ता का परिणमन नहीं दिखता। सदा काल यह चैतन्य सत्ता दृष्टि में रहती है, जो परिणमित नहीं होती, उस देह की क्रिया के रूप में या फिर उन औदयिक भावों के परिणामों में। जैसे पानी में से ही फिर हवा हुई और हवा से ही फिर बादल बने और वे ही बादल फिर बरसते हैं। आकाश में जो बादल बने हैं, उन बादलों के बारे में यह विचार करो कि जो बादल के परमाणु हैं जो बने हैं, वे ही परमाणु फिर बरस करके पानी होंगे। ज्ञानियों की करुणा दिव्य ध्वनि के रूप में बरसती है। ज्ञानी में ऐसी निष्कारण अनहद करुणा का भाव है, जिस भाव से दिव्य ध्वनि कीर्ति है। मगर भीतर में यह जागृति है कि आकाश की जो सत्ता है, वह आकाश उन बादलों में परिणमित नहीं हुआ है।
वे बादल किससे बने हैं? वे बादल आकाश से नहीं बने हैं, वे बादल पुद्गल परमाणु का पिंड है और आकाश द्रव्य की सत्ता पुद्गल से अलग है। आकाश स्वयं ही तो बादल नहीं है, जैसे ये दूर से भी ये दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को जो भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों में ज्ञान की सत्ता का परिणमन ही नहीं दिखता। इसलिए उदय उदय का कार्य करता रहे और ज्ञान की सत्ता सदाकाल टिकी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ध्रुव चैतन्य सत्ता में ही एकत्व, यह एकत्व ही परम धर्म है। जो भी देह की क्रिया बचपन था, जवानी आई और बुढ़ापा आएगा, देह देह के रूप में रह करके निरंतर परिणमित हो रहा है। बुढ़ापा अचानक नहीं आता, ये निरंतर देह में परिणमन हो रहा है। ये देह के परिणमन की क्रिया में, ज्ञान की ध्रुव चैतन्य सत्ता में इस परिणमन का कोई संबंध नहीं है और स्वयं के सत्ता को ऐसे देखता है कि उस परिणमन में मिलती नहीं है। देह की क्रिया की तरह ही विकल्पों के प्रवाह में भी ये पंच परावर्तन रूप जो भाव होते हैं, उन भावों के चक्र में भी, ये संसार के चक्र में भी दूर से जैसे देखे, ऐसे ही ज्ञान दूर से उन भावों को, उन चक्र को देखता है। उन पंच परावर्तनों को यह ज्ञान दूर से जानता है। जैसे चक्की चलती है, मगर चलती चक्की में आंख पीस तो नहीं जाती, आंख नष्ट नहीं होती, आंख में तो एक भी कण नहीं गया, चक्की चलती रहती है। ये वर्तुलाकार ये चक्की चलती है, मगर आंख में कोई बीमारी नहीं है, आंख में कोई कण नहीं है, आंख अस्पर्शी है। ऐसे ही जो भी विकल्प, जो भी विकार, राग और द्वेष, जो भी हिंसा दी के परिणाम, जो भी भाव पूजा भक्ति व्रत तप आदि के, उन सभी को एक चलती चक्की की तरह देख और अपने ज्ञान स्वरूप को ऐसा दूर अनुभव कर कि मैं चैतन्य सत्ता उस चलती चक्की में नहीं हूं। और ये आज की बात नहीं है, ये अनंत काल की बात है। यह चक्की अनादिकाल से अनंत बार चल चुकी है और फिर भी आंख को कोई बीमारी नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुई। ऐसे ही ज्ञान की सत्ता का ही अनुभव। उदय को उदय के कार्य के अनुसार चलने दे, क्योंकि उसमें मेरा कुछ भी नहीं चलता। उदय उदय का कार्य करता है, लाख कोशिश करो तो भी उदय अपना कार्य रोकता नहीं है, लाख कोशिश करो तो भी उदय अपने कार्य को पलटता नहीं है। जब जन्म हुआ था, मां के गर्भ में थे, बाहर की दुनिया तो देखी ही नहीं थी। उजाला है, अंधेरा है, दुनिया में क्या है, दिन है रात है, कुछ भी नहीं पता था। इस देश का भी नहीं पता था, देश का तो दूर, स्वयं के देह का ही पता नहीं था। उस अंधेरे में ही जन्म हुआ था, शरीर का निर्माण हुआ था, देह की रचना हुई थी। पुरुष का देह बना, स्त्री का देह बना, कितनी पूर्व तैयारी की थी मनुष्य होने के लिए। यदि पूर्व तैयारी करके यदि मनुष्य का भव मिलता तो नरक में जाने की पूर्व तैयारी कौन करता है? फिर भी नरक में जाना तो होता है ना। इस सिद्धांत को समझ करके, हे ज्ञान दीपक, अंतर में ऐसा तेरे भीतर में एक भेद ज्ञान की एक झलक शुरू हो, तो इस प्रकार के भेद ज्ञान से इस देह के परिणमन का स्वयं को अकर्ता अनुभव करेगा।
तो ये देखेगा कि देह के परिणमन में, देह की क्रिया में अनादि काल से ये कार्य चल रहा था। मेरा कोई विचार, मेरा कोई भाव, मेरा कोई कर्तृत्व इस देह के परिणमन में था ही नहीं। यह बात तो नरक की कही, निगोद में तो भगवान और भी हालत बुरी थी। अनादिकाल से निगोद में था और निगोद की पर्याय में वहां तो सोचना भी नहीं था, कोई पूर्व तैयारी करने के लिए विचार भी नहीं थे, वाणी भी नहीं थी, संयोग वियोग का कुछ पता नहीं था, यहां तक कि कुछ करूं ऐसा भाव भी नहीं आता था। वहां पर यह चेतना भी नहीं थी कि लाभ करूं, ये करूं। वहां तो धूप हो, सर्दी हो, जन्म मरण हो, लाभ कुछ करूं ये करने का भाव भी नहीं, सिर्फ भोगता था, भोगता ही भोगता था, जैसे पैरालिसिस हो गया है, दर्द को भोगता है, न बोल सकता है, न चल सकता है, न हाथों से इशारा कर सकता है, उस स्थिति में सिर्फ भोगता ही भोगता है। निगोद की हालत तो ऐसी थी कि जहां सोचना भी नहीं था, यहां तो थोड़ा जीभ अचकाते अचकाते कुछ तो बोलेगा, मगर वहां तो इतना भी बोलना नहीं था। निगोद में जहां सोचना नहीं था, जहां बोलना नहीं था, ऐसी निगोद की अवस्था। उस निगोद की अवस्था में भी अनादि काल से यह देह एक सांस में 18 बार जन्म और 18 बार मरा, ये किसने किया? ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता वहां क्या करने गई थी? त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये तो ध्रुवता की बात तो छोड़ो, विकल्प भी क्या थे ये? इसलिए कि विकल्प जो है वो विकल्प देह की क्रिया में कहीं पर भी करता नहीं है, और जो विकल्प का परिणमन है उन विकल्पों के परिणामों में भी मैं चैतन्य सत्ता कुछ भी करता नहीं हूं। जिस ज्ञान में ये विकल्प प्रतिबिंबित तो होते हैं, जिस ज्ञान की अवस्था में ये विकल्प झलकते हैं, वह ज्ञान की अवस्था भी उन विकल्पों में कुछ भी नहीं करने जा सकती। तो जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता जिसमें प्रतिबिंब नहीं है, जो मात्र है, जो प्रतिबिंब पड़ता है उस प्रतिबिंब के भी पीछे है, उसे ही पूरा दल कहा है, पूरा सॉलिड घन कहा है, उसे ही सत्ता कही है। जिस दर्पण की ऊपरी अवस्था पर प्रतिबिंबित होते हुए पदार्थ है वह ऊपर ऊपर की अवस्था है, मगर दर्पण के पीछे तो घनता है। जब दर्पण को उठाते हैं तो सिर्फ ऊपर की अवस्था को नहीं पकड़ा, पूरे दर्पण को पकड़ा है। सिर्फ ऊपर की अवस्था का ही वजन नहीं है, वो पूरे दर्पण का वजन है। जब पकड़ा है तो पूरा भार, पूरा वजन जो ग्रहण किया है, पूरे दर्पण को ग्रहण किया है, और उस दर्पण को ग्रहण करने में ये विकल्प नहीं है कि दर्पण की अवस्था क्या है। इसी प्रकार से उदय उदय में कार्य करता है, उदय ज्ञान की अवस्था में झलकता है, मगर तू ग्रहण कर ज्ञान को, इस ज्ञान को ही ग्रहण कर, अर्थात ज्ञान सत्ता पूरा जो घन है उस घन को ग्रहण कर। उस घन को ग्रहण करने का अर्थ उसी में ही एकत्व की यही मैं, यह मेरा अस्तित्व। इस प्रकार से जिसके अंतर में भले ही वर्तमान में बुद्धि से ही ये भेद विज्ञान शुरू हुआ है, वे उदय के परिणामों के काल में बीच बीच में अपना रसपान करता है, बीच बीच में वो ठहर जाता है, विश्राम कर लेता है। जैसे चलता हुआ व्यक्ति चल करके थक जाता है, बीच में थोड़ी देर रुक जाता है, विश्राम करता है। जैसे पूरे दिन भर काम करते हैं, रात को हम विश्राम करते हैं, चलते चलते जैसे बोलते बोलते भी थक जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए विश्राम करते, पढ़ाई करते करते भी थक जाते हैं, दो लेक्चर के बीच में फिर एक ब्रेक आता है, वहां पर भी विश्राम करते। क्रिया तो तेरी सब चलती रहेगी, ये देह की क्रिया, विकल्पों की क्रिया, उदयगत परिणाम, ये सब चलते रहेंगे,
मगर बीच में वह घड़ी आनी शुरू हो जाएगी, जिस घड़ी में अनजाना जाने की खबर देगा। जानने में आ रहा है, यह जानने में आ रहा है, यह ध्रुव चैतन्य परमात्मा उन विकल्पों को, उस देह की क्रिया को उदय के परिणाम स्वरूप ही जान, और उदय के परिणामों में सत्ता का कोई भी कर्तापना नहीं है। कर्म को न छोड़ता है न कर्म को पकड़ता है। कर्म को छोड़ने से कर्म छूटते हैं, देह को छोड़ने के भाव से कोई देह छूटता है, क्योंकि जिस समय देह छूटता है वह तो मुनियों का नहीं छूटता, देह छूटता है वह तो अरिहंत भगवान का छूटता है। 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में और फिर मोक्ष हुआ, देह तो अरिहंत का छूटा ना। ये तो अरिहंत परमात्मा के गुणस्थान है 13वां और 14वां, और अनंत काल के लिए ये देह छूट गया। और जिस समय देह छूट गया उस समय कोई विकल्प नहीं था कि देह को छोड़ दूं, वहां तो कोई ही विकल्प नहीं था, कोई विकल्प ही नहीं था, तभी तो केवल ज्ञान पाया था। और फिर देह छूट गया, उस देह का परिणमन कपूर की भांति देह हवा में मिल गया, वह देह तीर्थंकर परमात्मा के भावों की अपेक्षा नहीं रखता। उसी प्रकार से अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता को प्रधानता देकर के जिस साधक के अंतर में यह चैतन्य 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 यही चिंतन की धारा शुरू हुई है, उस चिंतन के बल पर ही वह देह के परमाणुओं को उदय के परिणामों में देखता है, अपनी श्रेणी में डालता ही नहीं है। ये मेरे अकाउंट में नहीं है, ये पराया अकाउंट है, कर्म का खाता है, ये चैतन्य का नहीं है। इसका मालिक कौन है? उदय इसका मालिक है, क्योंकि उदय की ही चलती है, मेरी तो चलती ही नहीं है, उदय का ही तो ये परिणमन है। और प्रकृति की व्यवस्था में किसी भी प्रकार के विकल्प हमारे काम में न आए थे भगवान, कोई भी विकल्प पूर्व भव में काम में न आए थे, वरना देह को छोड़ना चाहता कौन है, फिर भी देह छूट जाता है। मनुष्य तिर्यंच और देव देह को छोड़ना नहीं चाहते हैं, फिर भी देह छूट जाता है। निगोदिया का देह तो सांस लेते ही 18 बार छूट गया, और नारकी तो चाहता है कि कब निकलो इस नारकी के देह से, मगर कम से कम 10,000 बरस से पहले निकल ही नहीं पाता। निगोदिया मरना नहीं चाहता, मगर तड़प तड़प करके मरता है, और नारकी मरना चाहता है, मगर अनंत दुख को भोगे बिना कम से कम 10,000 साल उस नरक की वेदना को भोगे बिना निकलेगा कैसे? यहां चाहत से कुछ भी नहीं मिलता, ज्ञानी की दशा निराली है। अज्ञानी कहते हैं कि चाहत से दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता, चाह करोगे कुछ भी न मिलेगा, ऊंचे ऊंचे महलों के सपने देखोगे, चाहत करोगे, चाहत से कुछ नहीं मिलेगा। छोड़ दो ये चाहत को, चाहत से वस्तु मेरी नहीं हो जाती। ज्ञानियों का ये अनुभव है कि चाहत से वस्तु तो नहीं मिलती, मगर ये चाहत भी तो मेरे से थोड़ी आई है। वस्तु जैसे मेरे कारण नहीं आती है, ऐसे ही चाहत भी मेरे कारण नहीं आती है। उस चाहत में आकुलता का परिणमन देखना और ज्ञान को निराकुल देखना, निराकुलता में से आकुलता का जन्म कैसे होगा? वह जो सत्ता है उस सत्ता में से सूर्य में से निकलेगी तो किरण ही निकलेगी ना, सूर्य में से पृथ्वी कैसे निकलेगी, ज्योति में से प्रकाश ही तो निकलेगा ना, ज्योति में से मिट्टी तो नहीं निकलेगी ना, धुआं तो नहीं निकलेगा ना, वो ज्योति में से निकलता ही नहीं है, वह तो बाती, वह तो तेल,
उन सबका परिणाम है। ज्योति से तो प्रकाश ही पैदा होता है। ऐसे ही जो भी भाव हुए मेरे चैतन्य परमात्मा में से उत्पन्न हुए ही नहीं है। अनंत प्रकार के विकार को अपने पास में उसका बोझा अपने पर क्यों रखता है, वरना अनंत काल तक न्यायक के निर्विकल्प आनंद को भोग ही नहीं पाएगा। भोगता तो वह है जो सारा ढेर उस साइड में, पूरा ढेर एक साइड में, कि यहां मेरा कुछ भी नहीं है, बाप की कमाई तो मेरी नहीं है, जिसे मैं आप कमाई कहता हूं वह भी मेरी नहीं है, वह भी बाप कमाई की तरह है। बाप कमाई माने पहले जो हो चुके हैं उनकी कमाई है। आप कमाई भी मेरी नहीं है, वह भी पहले जो हो चुके थे, बंध चुके थे वे पुण्य के कर्म, उनकी यह कमाई है। बाप कमाई हो या आप कमाई, कर्तृत्व मेरा कहीं पर भी ना हो। ऐसे ही इन भावों में भी ये भाव ही करते हैं, ये भाव ही बोलते हैं, ये भाव ही चलते फिरते हैं, उन भावों में ज्ञान कहीं भी नहीं है। ऐसी भेद ज्ञान की कला आज हम पाहुड़ दोहा के 52वें दोहे में समझेंगे। मुनिवर राम सिंह इस दोहे में देह के देवल को चैतन्य परमात्मा से अलग भेद ज्ञान करने का बोध देते हैं। इन्हें सारे परिणमन को उदय का परिणाम देखने को कहते हैं। बिना किसी विकल्प के ही यह परिणमन हो रहा है, कोई भाव नहीं है, बिना किसी विकल्प के परिणमन हो रहा है। कौन सा भाव, किस प्रकार का भाव, कैसा भाव, किन वस्तुओं के प्रति होने वाला भाव, चेतन के प्रति, जड़ के प्रति, यहां तक कि जड़ चेतन के प्रति, ये सभी प्रकार के भाव, उन भावों में ज्ञान का क्या कर्तृत्व है। जड़ वस्तु है, धन है, धान्य सोना चांदी है, जिसमें चेतन नहीं है, ऐसी ये जड़ वस्तु, उसमें भी तो राग का भाव होता है। चेतन है ऐसे सिद्ध परमात्मा है, उनके प्रति भी तो राग होता है, ओम नमः सिद्धेभ्य। और यहां तक कि ये देह और आत्मा दोनों का जो मिश्रण है, ऐसे ये माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री, उन सभी में तो मोह का भाव होता है कि ये मेरे हैं, ये मेरा ही अंश है, मैं उनका ही अंश हूं, मैं जिनका अंश हूं उनके ही ये अंश है, वे मेरे भाई बहन हुए। जो दूर दूर से जो ये विचारों में ये एकत्व पर में पड़ा है, हे ज्ञान दीपक, ये सत्संग नहीं है, ये अपूर्व अनुभूति की ये घड़ी है, ये क्षण है, जिस क्षण में क्षण क्षण पलटते भावों से, क्षणिक भावों से बिल्कुल ही अस्पर्शी ऐसे ज्ञान को ही अपनी दृष्टि को विराट करके देखने का, पूरे विराट को देखने का, क्योंकि सत्ता मात्र की जो अनुभूति है, उस अनुभूति में अंतर की स्पर्शना से ही जो भी ये तुझे अंतर में अनुभव में हुआ, ये हृदय के तार मिल गए। जो परम कृपालु देव अनुभव कर रहे हैं, वही अनुभव तू कर रहा है। जो दशा वहां है वह दशा तेरी है। ये सुनते सुनते ही तार मिल गए, ये वीणा के तार मिले, ये एक दूसरे से ऐसी ही स्पर्शना, ऐसी ही अनुभूति, वहां जो घटित हो रहा था पूरा तुझ में घटित हुआ। जो संगीत वहां था वही संगीत यहां, बस वही भाव तुझे ग्रहण हुआ। फोन से किसी ने वहां पर बोला और तुझे कान में यहां वही शब्द सुनाई दिए। जिस भाव से वहां से वाणी निकली थी, उस भाव से ही तूने वाणी को सुना। जो अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी है, जिस भाव से अंतर में डुबकी लगाता है, उस योग में, उस संग में, उस सत्संग में रह करके तुझे भी ऐसी अनुभूति हुई।
तुम मालिक न रहा, तूने देह के वस्त्र को वहीं पर ही दूर देखा, डोरी पर लटका हुआ न देखा। तूने इस देह की कुटीर को संत से अलग देख लिया। दुनिया में सभी को तो महलों के साथ में तू जोड़ करके देखता था, मगर कभी संत मिले तो संत के पास जाकर के उनकी कुटीर को मत देखना, क्योंकि संत अलग है और कुटीर अलग है। संत तो वह है जिनके संसार का अंत अब निकट काल में है। वे ही संत है जिसने सत को पहचान लिया है, वे ही संत है जो शांत स्वरूप का अनुभव करते हैं, जहां उदय की अशांति और कोलाहल नहीं है, इसलिए निर्लेप रहते हैं। ऐसे संत एक समय में ही तेरी दृष्टि इतनी विराट हुई। विराट को देखने के लिए आंखों से देखना हो तो नजर को घुमाना पड़ता था, फैलना पड़ता था। मुझे यहां क्या है वह देखना हो और यहां क्या है यह देखना हो तो दोनों को देखने के लिए मुझे अपनी गर्दन को घुमाना पड़ता है। इस पूरे विराट को देखने के लिए मैं एक ही साथ में देख नहीं पाता। यहां का देखता हूं तो वहां का नहीं देख पाता, वहां का देखता हूं तो यहां का नहीं देख पाता। आत्मा की अनुभूति जो है वो अनुभूति ऐसी है कि एक समय में गर्दन घुमाए बिना, नजर को हिलाए बिना, दृष्टि को मोड़े बिना एक समय में ही वह द्रव्य दृष्टि में आता है, क्योंकि मात्र स्वरूप को ही ग्रहण किया है। ऐसी अनादि अनंत ध्रुवता को ग्रहण किया है, और ध्रुवता है ना, यहां पर कुर्सी है, यहां पर टेबल है, ये कुर्सी अलग है, ये टेबल अलग है, इसलिए कुर्सी को देखता हूं तो टेबल को नहीं देख पाता, जब टेबल को देखता हूं तो कुर्सी को नहीं देख पाता। मगर जो अनादि अनंत ऐसी जो ये विराट चैतन्य सत्ता है, इस चैतन्य सत्ता में, इस विराट चैतन्य सत्ता में कोई भेद नहीं है। यहां कुर्सी और वहां टेबल, ऐसा भेद होता तो एक साथ में दृष्टि में आता कैसे। यहां तो अनादि अनंत एक अखंड सत्ता जो है वो भाव, उसका भाव दृष्टि में आया है। उस भाव को ही ज्ञायक भाव कहा। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, इस भाव को ही तू दृष्टि में ले। जिस भाव को दृष्टि में ले 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 लेते ही तुझे एक ही सत्ता ही दिखती है। उस सत्ता को पहचान लिया, वह संत है। वह कुटीर में रहता ही नहीं है, संत की कुटीर है। सेठ का बड़ा बड़ा विला है, बंगला है, बड़ा मकान है, मगर संत की कुटीर है। और कुटीर अलग है, संत अलग है। जिस कुटीर में हड्डियां पड़ी हो तुरंत ही निकल जाते हैं कि ये संत नहीं है, यहां तो हड्डियां है। क्या ये मांस भक्षण करता होगा, शंका पैदा होती है। मगर कभी ये शंका पैदा ना हुई कि मैं त्रिकाल चैतन्य संत हूं और इस कुटीर में हड्डी है, जल्दी से जल्दी इस कुटीर में से निकल क्यों नहीं जाता। संत उस कुटीर में नहीं रहते जहां हड्डियां होती है। इसलिए तो लोगों को ऐतराज है कि स्मशान में तो हड्डियां होती है, चिता पर तो हड्डियां होती है, उन हड्डियों के साथ में स्मशान में क्यों बैठना। जब तुम्हें इतना पता है कि हड्डियों के साथ में क्यों बैठना, तो फिर कभी इसे हड्डी के रूप में देखने का प्रयास क्यों नहीं किया कि 24 घंटे ये चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञायक देव, जिसे बैठने के लिए ठिकाने की जगह भी न मिली, कोई स्थान ऐसा न मिला कि ये देह निवास करने के लिए एक कुटीर मिली तो भी ऐसे मिली। मगर मुझे विरोध नहीं है, ये ज्ञान दीपक तुझे भी विरोध न होगा, इस कुटीर के प्रति तुझे विरोध न होगा, क्योंकि भेद ज्ञान होते ही कुटीर औदयिक भाव है
और तू परम पारिणामिक भाव है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, इस संत को अहो भाव से तू पहचान, इस विराट संत को देखने के लिए तेरी दृष्टि को भी विराट कर, तेरी दृष्टि को भी फैला फैला। तू बाहर निकल, उस कुटीर में से बाहर निकल, कुटीर में रह करके ही छेद में से जो आकाश को देखता है वहां से बाहर निकल और खुले आकाश को फिर देख। अब तो छेद में से आकाश को नहीं देखता, अब तो खुले आकाश में आ गया जहां छेद नहीं है क्योंकि वहां कुटीर नहीं है। पहले तू जानता था छेदों से, ये पांचों इंद्रियों के जो छिद्र है, ये पांचों इंद्रियों के जो द्वार है, उससे ही तू जगत को जानने में मस्त था। अब देह से बाहर निकला, अब वह ज्ञानमय है, अब वह देहमय नहीं है, अब वह कुटीर में नहीं है, अब वह परिग्रही नहीं है, अब परिग्रह से मुक्त हुआ। हे ज्ञान दीपक, मुनिवर राम सिंह के पाहुड़ दोहा के इस 52वें दोहे में स्व पर के भेद ज्ञान की कला मुनिवर राम सिंह के शब्दों में संक्षिप्त में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और फिर हम भेद ज्ञान के प्रयोग करते हुए अंतर्मुख होते हैं। मुढ़ा सरलु विकारी मऊ निकारी मऊ न कोई, जीव हो जंतन कूड़ी गैय इउ पड़ी छंदा जोई। रे मूढ़, ये सब शरीरादि का संयोग तो कर्म जंजाल है, वे कोई निष्कर्म नहीं है अर्थात स्वाभाविक नहीं है। देख, जीव चला गया किंतु देह कुटीर उसके साथ नहीं गई। इस दृष्टांत से दोनों की भिन्नता देख, मृत्यु से पहले ही ये देख, मृत्यु से पहले ये ज्ञान दीपक, ये भेद ज्ञान की कला। देह को कुटीर कहा है, देह कुटीर है जिसमें से भगवान आत्मा निकल जाते ही देह पीछे पीछे नहीं आता। उससे यह पता चलता है कि पूर्व में भी जो ये देह चलता था तब लगता था कि मेरे भावों के कारण चलता है, उन भावों से ही तो नाता तोड़ना है, उन भावों का कर्तृत्व जो है उस कर्तृत्व के बोझ को ही तो उतारना है। इस बोझ को लेकर के सिद्धपुर की यात्रा कैसे होगी, सिद्ध क्षेत्र की यात्रा भी बोझ लेकर के नहीं होती। पानी की बोतल भी ऊपर ले जानी हो गिरनार पर समेत शिखर पर नहीं ले जाते, धन देकर के कितनी ही महंगी बोतल मिलेगी वहां से खरीद लेंगे मगर उठाने में तकलीफ होती है, वजन है। लाठी नीचे धन देकर के खरीदते हैं मगर ऊपर जाते ही वह लाठी बोझ लगती है, वहीं छोड़ देते हैं। आप परमात्माओं ने देखे होंगे ऐसी बहुत सी लाठियां पहाड़ के शिखर पर मंदिरों के बाहर, कौन छोड़ गया? ये वे ही छोड़ गए जो नीचे धन देकर के खरीद कर लेकर आए थे, मगर अब बोझ लगा, अब नहीं उठाया जाता। सिद्ध क्षेत्र की यात्रा थी, यहां तो सिद्धालय की यात्रा है। इस सिद्धालय की यात्रा के लिए कर्तृत्व का बोझ उतरे
और कर्तृत्व का बोझ माने इन परिणामों के चक्र का कर्तृत्व का बोझ। तो सारे परिणामों के चक्र को, उन समस्त भावों के चक्र को एक चक्र देख। चक्र इसलिए क्योंकि ये भाव फिर दोबारा आएगा, अनंत बार ये चक्र आया है। काल का चक्र जो है वह तो यहां भरत क्षेत्र के हिसाब से कहा, एक से लेकर के छठा काल, छह से फिर एक, एक से छह, छह से एक, ये चक्र चलेगा। मगर वो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का वह जो एक चक्र है, वो जो काल चक्र है, उस काल चक्र का तो कुछ भी नहीं, वह तो बहुत सीमित है। यहां तो पंच परावर्तन का चक्र है जिसमें अनंत काल है। उन अनंत 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 काल के इस चक्र में ये ध्रुव की धुरी अंदर नहीं आती, इसलिए चक्र को चलता देख करके तो उसका कर्ता कब मिटेगा। खोटा है, वह कील है, वो उसका कर्ता कभी नहीं बनती। उसे पता भी नहीं है कि चाक कहीं घूम रहा है। उस ध्रुव को उस खुटे को, उस कील को पता ही नहीं है कि चक्र घूम रहा है, क्योंकि घूमते हुए चक्र को देखने के लिए तो उसे वहां से निकल करके चक्कर काटना पड़े उसके साथ कि कैसे घूम रहा है। जो घूम रहा है उसमें ये ध्रुव 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 की धुरी वहां जाती ही नहीं, वरना खो जाती, अभी तक की कट जाती। खाली चलते हुए तीन पंख है ना, तीन पंख वाले पंखे में यदि ये उंगली जाती तो उंगली कट जाती है। यदि ये परिणामों के चक्र में ये ध्रुव की धुरी यदि वहां जाती तो ध्रुव की धुरी नष्ट हो जाती, या फिर परिणामों का चक्र रुक जाता। यदि ये उंगली बलवान है तो पंखा रुक जाएगा, और ये उंगली कमजोर है तो उंगली ही कट जाएगी। मगर उंगली कटती नहीं है और ये पंखा रुकता भी नहीं है। वो यही बताता है कि जहां उंगली है वहां ये पंखे नहीं है, ये तीनों तीन पंखे उससे अलग है। जहां उंगली है मिश्रण होता, मुलाकात होती तो दो में से एक का खत्म होना निश्चित था, या उंगली का खत्म होना या पंखे का ठहर जाना, वो घूमना भी खत्म हो जाता, वो परिणमन खत्म हो जाता। मैं अनादि अनंत ऐसा ध्रुव 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 चैतन्य, कि यदि मैं पर्यायों के परिणामों के चक्र में होता तो मैं खत्म हो जाता, या फिर परिणामों का चक्र रुकता तो चलता रहता है चक्र। उस चक्र को रोकने के लिए जाता नहीं है, उस चक्र को चलाने के लिए जाता नहीं है। ऐसा जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य है, यही मैं हूं। जब तेरे जीवन में कभी भी कोई भी विपरीत परिस्थिति तुझे लगे तो अपने स्वरूप का ही विचार करना कि ध्रुव ध्रुव में ये कुछ आता नहीं है। ये पंखे घूमती है, पहले नंबर की पंख, दूसरे नंबर की पंख, ये चक्र चलता है, मगर ध्रुव नहीं चलता और ध्रुव के पास में कोई आता नहीं है। मेरे पास में आज तक कोई परिणाम आया नहीं है। औदयिक परिणाम है ना, वह तो मैं हूं। मैं तो पहले भी वही था, बाद में भी वही हूं। पंखे में जो बीच में जो कील है, उस पंखे की बीच में जो कील है, उस कील में पंखे का रेगुलेटर है, वो एक पर है, दो पर है, तीन पर, चार पर, पांच पर, वो घूमता जाता है। पंखा बढ़ता जाता है, उसकी गति बढ़ जाती है। जब पंखे की गति बढ़ जाती है तब उस बीच में जो कील है, उस कील ने क्या किया, या फिर पंखा ठहर गया उस समय, उस कील ने कौन सा विकल्प किया। कील का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है, वह अपने कारण है, वह अपने कारण है। यह बात अलग है
कि पंखे घूम रही है कि अपने कारण है। दोनों का योग पास में दिखता है, जैसे पंखा उन पंखों को, बस वो जो पाइप है पंखे का, उसकी वजह से पंखा घूमता है। कोई भी देखेगा तो यही देखेगा ना कि उसकी वजह से ही पंखा घूमता है। पहले तो यही दिखाई देता है ना कि छत के साथ में वो पाइप बिल्कुल फिट करके रखा है। और ज्ञानी देखता है पलटता कौन है, वो पाइप परिणमित हो रहा है या पंखे परिणमित हो रही है। तो उस पाइप पर क्यों दोष देना कि तेरे कारण ये हुआ, मैं ध्रुव चैतन्य ही हूं, मुझे पता ही नहीं है परिणाम क्या है, परिणाम चलते रहते हैं। मैं वह सत्ता हूं जिसका कारण कोई नहीं, जिसमें कार्य कोई नहीं, जो मात्र है। ऐसा है का अनुभव, उस अनुभव के होते ही है नहीं वहां हूं हो जाता है, यही मैं हूं, यही मैं हूं। और ये परिणाम का चक्र कहा भगवान, ये तो परिणाम का चक्र कहा, अब तो यहां तो देह की बात तो बहुत दूर है, ये देह तो बहुत दूर गया। ये कुटीर पीछे पीछे नहीं जाती, क्योंकि ज्ञान अपने स्वभाव के अनुरूप परिणमित होता है। विकल्प उसके पीछे पीछे नहीं जाता, जा ही नहीं सकता, विकल्प में क्या दम है। ज्ञान की यात्रा हो, ज्ञान तो था मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और हो गया केवल ज्ञान, ज्ञान तो आगे यात्रा करता है, ज्ञान यात्रा आगे करता है और विकल्प पीछे नहीं जाता, वरना केवल ज्ञान के पीछे भी विकल्प जाना चाहिए। मगर विकल्प तो मर जाता है, केवल ज्ञान हुआ उससे पहले ही विकल्प मर गया। विकल्प ज्ञान का पीछा कर ही नहीं सकता, विकल्प में वो दम नहीं है। वो तो भ्रम हमें होता है कि ज्ञान के साथ साथ विकल्प चलता है, ज्ञान के साथ विकल्प चलता ही नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, ज्ञान एक है, अहम एक को, यहां कोई दूसरा नहीं है। ये भ्रम से मुक्त होने के लिए ये भेद ज्ञान की कला भगवान हमें बताइए, बैठ करके एकांत में इस प्रकार से तुम भेद ज्ञान करना। ये कर्म का बंधन है, ये परिणामों का जो बंधन है, ये कर्म के औदयिक भाव है, वो यहां पर नहीं है, वो मेरा पीछा नहीं करते हैं, मैं जहां हूं। क्योंकि जैसे ही तुझे ज्ञान, मात्र निर्दोष ज्ञान हो, जो कुछ करने नहीं गया, जो निरपराधी है, अपराधी के पीछे पुलिस भागती है पकड़ने के लिए, वो अपराधी है, पुलिस भागती है, मगर ज्ञान के पीछे कोई भागता नहीं है। ज्ञान निरपराधी है, ज्ञान ने कुछ भी नहीं किया, ज्ञान सदा निर्दोष है, और मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं सदा निर्दोष हूं, हम सभी ज्ञान मात्र है। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान का घनपिंड ही देख तो निर्दोषता का अनुभव होगा। विकल्प को साथ में लेकर के मत देख, विकल्प को अपने साथ में रखता है, इसलिए तो दोष लगता है। तू खिड़की खोल करके देखता है और नाली को देखता है, तब तुझे यह महल थोड़ा नीचा लगता है कि जिस महल के पास में नाली बहती है, ऐसे महल में मैंने इतने रुपये चुका दिए, क्यों खरीदा यह महल, पछताता है। मगर तुझे पता चला न, कब चला, खिड़की खोल करके बाहर देखा तब ने। यदि खिड़की खोल करके बाहर देखे ही नहीं, तेरे लिए वहां नाली है ही नहीं, कभी ना होगी नाली, क्योंकि तुझे अनुभूति स्वयं की ही होगी और उस नाली को तू रोक नहीं सकता, क्योंकि वो महल में से निकल करके बह नहीं रही। दुनिया में कार्य होता है, तू अपने महल का मालिक है, उस नाली का मालिक तू नहीं है। और खिड़की खोलकर देखने को तुझे कहा किसने, ये जो ज्ञान की खिड़की खोल करके तू देखता है कि मेरे अंदर बहुत विकार है, बहुत वासना है,
मुझे खाने में बहुत रस आता है। तू ये ज्ञान की खिड़की खोल करके उन विकारों को क्यों देखता है? खिड़की बंद कर और मात्र असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता जो स्वयं ही महल है, उस महल को ही देख। एक समय के लिए भी भले तुझे विचार चले, मैं नहीं कहता कि तू दो दो घंटे चार चार घंटे इस प्रकार के ध्यान में डुबकी लगा। एक क्षण के लिए भी यदि तेरे अंदर में ये विचार चला, मगर डायरेक्शन सच्चा ध्रुव का डायरेक्शन होगा तो तुरंत ही बीज बोएगा तू। उसमें समय नहीं लगता, फिर विकास होने में समय लगता है। जब बीज को खेत में बोते हैं तो कितना टाइम लगता है, मगर इतना तो पक्का है कि रास्ते पर नहीं दिया बोया, रास्ते पर नहीं फेंका, रास्ते पर नहीं डाल दिया, वो खेत में डाला। मुलायम नाजुक नरम ऐसी जो जमीन थी, जो उसके योग्य थी, योग्य वातावरण था, योग्य हवा थी, योग्य खाद था, सब अनुकूलता थी, बीज तूने वहां बोया। बोने में टाइम नहीं लगा, डायरेक्शन सच्चा था, फिर वह उगने में भले एक महीना लगे या एक साल लगे, उसकी फिक्र मत कर, वह उगेगा। एक ही ध्रुव हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव की जो सत्ता है, इस सत्ता को, इसलिए मैंने कल पिछले दो दिन से कहता हूं, इस स्वरूप को सुनकर के भले आज तुझे अंदर से हकार न भी आता हो, छोड़ना मत, तो सुनना मत छोड़ना, क्योंकि इसी से ही मृत्यु की घड़ी में भी तुझे यही याद आएगा। वरना तू मृत्यु की घड़ी पर भी मैं कब छूटू राग से और कब छूटू द्वेष में, तो तेरी खिड़कियां बंद ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि तूने यही मान लिया था कि नाली बह रही है और उसे रोकना मेरे हाथ में है। ये परम तत्व है, हे ज्ञान दीपक, ये पंचम काल नहीं है। जब तू समझेगा तब तुझे पता चलेगा कि क्या मिला है तुझे। हे ज्ञान दीपक, तू अभी नहीं जानता, तू अभी नहीं जानता, नहीं जानता, क्योंकि तूने तेरी जेब में देखा नहीं है, उस करोड़ों के हीरे को देखा नहीं है, इसलिए तो दिखाने वाले की महिमा भी अभी आती नहीं है, दिखाने वाले का अहोभाव अभी आता नहीं है। वे ही जाने गुरुदेव की महिमा क्या है, कृपालु देव की महिमा क्या है, कृपालु देव की कृपा क्या है। कृपा ये नहीं है कृपालु देव की कि आत्मसिद्धि लिख दी, अपूर्व अवसर लिख दिया, लिखना ये कृपा नहीं है, मगर कृपालु देव की कृपा यही है कि उनके पास में बैठ करके जो अनुभूति होती है, उन्हें निरखते निरखते ये जो अंतर में अनुभव होता है, उनका योग ही, ज्ञानियों का संग ही पर्याप्त है। उनकी वाणी निकले या न निकले, उनका संग ही पर्याप्त है। मुख केवली के दर्शन से भी जीव पा जाते हैं, क्योंकि उनके दर्शन से वो दशा अंतर में स्वयं को समझ में आ रही है कि ये कहां लीन है। परम कृपालु देव की ऐसी दशा है। आप समस्त ज्ञान दीपकों को हे चैतन्य परमात्मा, मुनिवर रामसी का ये दोहा, ज्ञान को दृष्टि विराट करके देख, फैला दृष्टि को, मगर ध्यान रहे, दृष्टि को जब तू फैला तो खिड़की खोलने को नहीं कहता, सिर्फ तेरी आंखें खोलने को कहता हूं, खिड़की खोलने को नहीं कहता, सिर्फ आंखें खोल और महल को देख। खिड़की खोलेगा तो आंखों से नाली को भी देखेगा। ज्ञान की खिड़की को खोल करके जगत को देखने को नहीं कहता, ज्ञान की खिड़की से तो इस चैतन्य महल को देख। कभी ये किया कि आंख खोली ही नहीं, और कभी खोली तो खिड़की भी साथ में खोली, यही अनादि से हुआ। आंख तो खुली रहे और खिड़की बंद रहे, तब असंख्य प्रदेशों में
ज्ञान का महल अनुभव में आएगा, तू अवाक हो जाएगा, क्योंकि सिद्धत्व का अनुभव होते ही वाणी कैसे निकलेगी। तू गुरु के सामने बताने में असमर्थ रहेगा, तू स्वयं ही कहेगा कहां से मैं लाऊं, किसका मालिक मैं नहीं हूं, उनको मैं कैसे चुरा करके कुछ कहूं। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, ये बोलने के लिए भी तू अंतर में अनुभव करेगा, जिन परमाणुओं का मालिक मैं नहीं हूं उन परमाणुओं को लेकर के मैं गुरु का आदर करूं कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तब ये वाणी निकल जाती है, वाणी निकलती है, उदय के परिणाम से विकल्प आते हैं, वाणी निकलती है, शिष्य गुरु के चरण में मस्तक झुका देता है। सदगुरु ना उपदेश थी आवियु अपूर्व भान, ये भावना को व्यक्त करता है, मगर न्याय भाव का अनुभव करता है। भावना को कितनी भी व्यक्त करो, मगर भाव का, उस न्यायक भाव का अनुभव ही होगा, वहां अभिव्यक्ति नहीं होगी। क्योंकि जो स्वयं ही व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, उसकी अभिव्यक्ति भी तुम कैसे करोगे। हे ज्ञान दीपक, इसके पीछे बहुत गहरा भाव है। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, जो कुटीर में से निकल चुके हैं और पीछे मुड़कर देखते तक नहीं है कि कुटीर मेरे पीछे आ रही है या नहीं। इस कुटीर में तो और भी आएंगे और जाएंगे, यहां आते हैं और जाते हैं, यहां ठहरता कोई भी नहीं है। ये संत की कुटीर है, ये पूरे अनंत परमाणुओं का पिंड उस देह को देख, अपूर्व अनुभूति से तू भरेगा। तेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया, तेरा यहां आना सफल हो गया, अब जाते समय तो कुटीर को लेकर के नहीं जाता। तुझे लगेगा कि क्या कर रहा था मैं, अब तक मैंने क्या किया था, बस शुरुआत हो। इसी चैतन्य के बल से, इसी न्याय के जोर से फिर तेरी देह में पकड़ न रहेगी। सत्ता मात्र को देखा न, ज्ञान मात्र को देखा न, ज्ञान मात्र को देखा, ऐसी सत्ता जो एक है, अहम एक को, ऐसी सत्ता ध्रुव 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 ध्रुव। तू ये भी नहीं देखेगा कि तूने देह को पकड़ा है, इस कुटीर को पकड़ा है, तूने विकल्पों को पकड़ा है। तू ये भी न देखेगा कि तूने आत्मा को पकड़ा है। हीरा कभी हीरे को पकड़ता है? हीरे को पकड़ने वाला तो चिमटा होता है, मगर दोनों में खास ध्यान रहे, हीरे से न हीरा पकड़ा जाता है, न चिमटे से चिमटा पकड़ा जाता है। चिमटे से हीरा पकड़ में आता है, हीरे से हीरा पकड़ में नहीं आता। जब तू अपने को चैतन्य 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 हीरा देखेगा, तो पर्याय का चिमटा भी न देखेगा। पर्याय पर्याय में है, फिर भी पर्याय द्रव्य नहीं हो जाती। चिमटे से हीरा पकड़ने से चिमटा हीरा थोड़ी हो जाता है, या हीरा चिमटा थोड़ी हो जाता है। ऐसी सत्ता मात्र, ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव न्याय देव का जोर। हे ज्ञान दीपक, इसी प्रकार से ध्रुव न्याय के जोर से भेद ज्ञान की कला तेरे में प्रकट हो, ऐसी मैं भावना पाता हूं परमात्मा। हे चैतन्य परमात्मा, देह के कुटीर आत्मा के पीछे पीछे जाती नहीं है, जाती नहीं है। परिणाम का जो चक्र है वह कर्म का परिणाम है, वह मेरा नहीं है, वे निष्कर्म नहीं है, वे कर्म है। कौन मिला? मैं आपसे मिला, आप मुझे मिले, नहीं मिले,
कर्म ही कर्म से मिलते हैं, कर्म ही बिछोड़ते हैं। ध्रुवता को देख तो तुझे विकल्प तक न आएगा मिलना और बिछोड़ना, कुछ भी ना होगा। यहां कुछ भी ना होगा, पर मैं वास करता है, मिट्टी में वास करता है, देह में वास करता है, कुटीर में रहता है ना, तो फिर यह कर्म का भाव पैदा होगा। मैं वस्तु को ग्रहण करता हूं, मैं आहार को ग्रहण करता हूं, मैं पानी को ग्रहण करता हूं, मैं तो इस देह में कुछ दिन का मेहमान हूं, मगर सत्ता मात्र को देखेगा। इस देह का तू मेहमान है, इस कुटीर को किराए पर रखा है, मगर तू तो किराए का नहीं है ना, कुटीर किराए की है, तू कौन है? तो अपने होने का किराया कितना देता है? कुटीर में रहने का तो देता है, तो इस देह में रहने को तो तू देता है, रोटी देता है, पानी देता है, हवा देता है, इस देह को सूर्य का प्रकाश देता है, तू इस देह को किराया देता है, मगर तू जो है अपने अस्तित्व के लिए क्या करता है? कुछ नहीं, वहां कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, न लेना है न देना है, क्योंकि मैं मिट्टी में रहता ही नहीं हूं, यही मैं मिट्टी में रहता ही नहीं हूं। भारत देश बहुत उदार है, उसने अपना हाथ में जो आया हुआ वर्ल्ड कप था वो दे दिया, और ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही है, ले लिया। कल इसी पर ही मैं विचार कर रहा था, इंडिया ने दिया और ऑस्ट्रेलिया ने लिया, क्योंकि इंडिया के नाम में लास्ट में तीन अक्षर है ना, DIA माने दिया, और ऑस्ट्रेलिया के नाम के तीन अक्षर है LIA लिया। इंडिया ने दिया, दिया ऑस्ट्रेलिया ने लिया, मगर इंडिया में यह भी मिट्टी है, ये पृथ्वी है, ऑस्ट्रेलिया भी पृथ्वी है, जो पृथ्वी पर रहता है वहां लिया और दिया होता है। मैं देह की पृथ्वी पर रहता ही नहीं हूं, तब यहां लेन देन नहीं होती, यहां परिणामों की लेन देन नहीं होती, यहां कोई रिजल्ट नहीं आता, यहां कोई हार जीत नहीं होती, क्योंकि यहां परिणाम ही नहीं होते। ऐसा मैं अपरिणामी ध्रुव चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, शुरुआत जहां से की थी वहां से ही समापन करता हूं। प्रयोग जो परिणमित होता है उसमें सत्ता का परिणमन नहीं है, वह उदय का परिणाम है। शुरुआत की थी कि जो आकाश में बादल बनते हैं उन बादलों में आकाश करता नहीं है, क्योंकि वह पानी ही हवा होकर के फिर बादल के रूप में बना है, ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी हुई है। घने बादल है, काले बादल है, रंग वाले बादल है, और फिर बरस जाते हैं, मेघ का क्या ठिकाना, अभी यहां अभी कहां। ऐसे ही इन विकल्पों को बात करते करते ये विकल्प की गाड़ी कहां चली जाती है, कहां कहां के विकल्प चलते हैं, ये लगाम नहीं रहती। घर का विकल्प, दुकान का विकल्प, पत्नी पुत्र परिवार का विकल्प, और कहां से कहां तक विकल्प चले जाते हैं। तो ये विकल्प का जब निर्माण होता है तो उन विकल्पों के निर्माण में अपने को नीचा मानना बंद कर दे, बैठ, जो भी भाव आते हैं नीचा बन, नीचा मत मान, नीचा मानना बंद कर। इसलिए क्योंकि आकाश ने उन बादलों को निमंत्रण नहीं दिया कि आओ
मैं तुम्हारे साथ हूं, बनो बादल बरसो बादल, आकाश जैसे अस्पर्शी और मौन है, ऐसे ही ज्ञान 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 इन विकल्पों को तैयार नहीं करता। इस प्रकार से भावों से भेद ज्ञान, विकृति कितनी है, विकृति कैसी है, उस डिटेल में तुझे क्यों जाना है। आकाश कैटेगराइज नहीं करता है बादल काले थे या बादल गोरे थे, बादल बड़े थे या छोटे थे, बादल घने थे या बादल बिल्कुल पतले थे, कुछ भी नहीं। ऐसे ही मौन का अनुभव करने का अभ्यास कर, दिशा सच्ची है, इस वजह से एक क्षण का अनुभव भी तुझे पूर्णता की ओर ले जाएगा। हे ज्ञान दीपक, इस 52वें श्लोक में पर से, 52 का अर्थ ही पर है ना, पर से भेद ज्ञान की कला समझाई है। अभी इसी प्रकार के प्रयोग करना, थोड़े समय के बाद में फिर आज हम बहुत लंबे काल के बाद में मिलने वाले हैं शंका समाधान के लिए। मैंने आप परमात्माओं को कहा था कि YouTube पर लाइव एक शंका समाधान का सेशन रखेंगे, आज शाम को 7:42 पर शंका समाधान YouTube पर चैतन्य चैट शुरू होगी, और उस चैतन्य चैट में जिनको भी शंका हो वो वहां पर ही पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ज्ञान दीपकों में से कुछ ज्ञान दीपकों ने शंका लिख करके मैसेज भेजा है, उसमें से भी थोड़ा शंकाओं को लेने का हम प्रयास करेंगे। मगर आपकी साधना के संबंध में जितनी भी आपकी प्रयोगात्मक जो अभी पिछले कुछ दिनों से हम कर रहे हैं, उसमें जहां पर भी द्विधा हो, कहीं पर भी विचार आता हो, तो आप अवश्य इस YouTube के सेशन को ज्वाइन करना। और आज रात को मैं आपको बताऊंगा कि जो ज्ञान दीपकों की मीटिंग हमको रखनी है वो 2 दिन के भीतर में रखनी है, कितने बजे होगी, कौन सी तारीख को होगी, मैं रात को बता दूंगा। क्योंकि उस मीटिंग में जिन जिन के रिपोर्ट नहीं आए हैं, जो नियमित रूप से साधना नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक आखिरी इसमें एक अवसर दिया गया है, नहीं तो फिर नए परोक्ष ज्ञान दीपक को प्रत्यक्ष में जोड़ेंगे और उनकी साधना भी आगे बढ़े ऐसी भावना से। अभी YouTube की लिंक भी आपको भेजेंगे, नहीं मिले तो फिर आप अपने YouTube के चैनल के ऊपर जाकर के वहाँ होम पेज के ऊपर ही देखेंगे तो पहला ही वीडियो ऊपर ही आज की शंका समाधान का होगा। 7:42 से लेकर के कितने बजे तक चलेगा पता नहीं, 8:42 तक अभी 1 घंटे का रखते हैं। और आप सभी को जो 51 प्रवचन जो हुए हैं 51 कल तक के, वो पूरे के पूरे उसमें प्लेलिस्ट पर आ चुके हैं YouTube पर, अब तक के सभी प्रवचन अपलोड हो चुके हैं। और इसके अलावा ये जो उमराला में शिविर हुई थी वो शिविर के भी आपको मिल गए होंगे, 8 प्रवचन की लिंक आपको भेजी है, और ये सत्संग भी अभी मैं 1 घंटे के अंदर ही आप तक पहुंचा दूंगा। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वर
मृत्यु देहाती उन ज्ञानी के चरण